तो दोस्तों, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहोटो पार्ट्स एंड सर्विस। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बाइक जब स्टार्ट करते तो क्विक स्लिप हो रहा है, चाहे मॉर्निंग करो कभी भी बाइक स्टार्ट करो क्विक स्लिप हो रहा है, इसको कैसे सही करें, तो इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही बाइक रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए। पहले नीचे ऑयल बोल्ट 17 नंबर का नट होता है उसको खोल दें, उसके बाद जो कि क्लच साइड के 8 नंबर का नट होते हैं उसको पूरा खोल लें। इस गाड़ी के अंदर पूरा क्लच प्लेट एकदम पूरा ख़राब था, जो कि देखो क्लच कवर के अंदर पूरा कचरा जमा हुआ है। क्लच प्लेट को खोलने के बाद इसका सेंटर अब दोनों चेक कर लें, सेंटर अब ख़राब होगा तो भी किक स्लिप करेगा, इसको पहले ज़रूर चेक कर लें। सेंटर अब ख़राब हो गए तो क्लच प्लेट लगाने के बाद भी किक स्लिप हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्लच प्लेट पूरा ख़राब हो चुका है, प्रेशर प्लेट एकदम सही है। इस गाड़ी के अंदर गियर अटकने की भी समस्या आ रही थी, जो कि देखिए यहाँ के अंदर पूरे खांचे पड़ चुके क्लच प्लेट के, इसको ग्लैंड से साफ करना पड़ेगा नहीं तो फिर गियर अटकने की समस्या आएगी। इसको मैं ग्लैंड से एकदम प्लेन कर देता हूँ।
इसके अंदर मैं हीरो की ओरिजिनल क्लच प्लेट यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि 360 रुपये की आती है। क्लच प्लेट को फिटिंग करने से पहले क्लच प्लेट को नए ऑयल से भिगो दे, जो कि वो काम सही करेगी। और प्रेस प्लेट का प्लेट वाला हिस्सा नीचे रखना। जब भी कभी क्लच कवर खोलो तो ये याद रखना कि ये इसके अंदर जो ऑयल पंप की जाली होती है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेगा, नहीं तो हेड के ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगी। इसको इसके अंदर वो कचरा पूरा फूल रहा है, ये पूरा क्लीन कर देना। पेट्रोल से साफ कर देता हूँ, ये देखो एकदम। इसको वापस फिटिंग कर दो तो क्या गाड़ी पूरा ऑयल सप्लाई अच्छी तरह से होगा। और देखिए वेट के अंदर पूरा कचरा जमा हुआ है, यही कचरा इस वेट के अंदर आता है। ये पूरा साफ कर दें पेट्रोल से। यही कचरा क्रैंक के अंदर जाता है और क्रैंक आवाज़ करने लग जाती है। ये एकदम पूरा पेट्रोल साफ कर दिया। इसी के अंदर एक छोटा सा छेद होता है सुई जैसा, उसको भी क्लीन कर दें। इसी के ऊपर आती है एक प्लेट, इसका कचरा भी साफ कर दे। इसके अंदर ये ऑयल सील होता है, इसको अच्छी तरह से चेक कर ले, ख़राब हो तो चेंज कर दे, क्योंकि ये चेंज इंजन की लाइफ बढ़ाता है। इसको एकदम देख क्लीन कर दिया, अब इसको फिटिंग कर दे।
उसके बाद बारी आती है क्लच कवर फिटिंग करने, उसको पूरी फिर से साफ कर ले, इसके अंदर पूरा पूरा कचरा जमा हुआ और ये लीकेज भी क्योंकि इसका ठीक सील भी खराब है, ये भी चेंज हुआ। ये देखो एकदम अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और इसका सील खोल लिया, चेंज करेंगे अभी और क्लच पैकिंग लगा दे। क्लच पैकिंग को बॉन्ड लगाने की इसके क्लच के अंदर कोई ज़रूरत भी नहीं है, लगाओ तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा। ऐसे जरूर लगाना, मेरे को क्लच काम नहीं करेगा। इसी में मैं HTA 6605 किक सील यूज करने जा रहा हूं।